हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर स्टाइल जो रियल रिंग सरमनी हेयर स्टाइल है। और ये जो क्लाइंट है मेरे पास, इनकी रिंग सरमनी थी और इन्होंने एक बारबी वाली एक ड्रेस पहनी थी जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इनका मेकअप और इनका हेयर स्टाइल करना था। तो इनका जो मेकअप है आप लोग देख सकते हैं, इनके मेकअप की वीडियो भी चैनल पर जाएगी बट वो एक दो दिन बाद जाएगी। पहले मैंने हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ में शेयर किया है, आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को इनके मेकअप की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइम इनका जो हेयर स्टाइल है वो, इनके बालों में मैंने कोई क्रम्पिंग वगैरह नहीं कराई, क्योंकि आपने काफ़ी बार ना मुझसे ये बात बोली है कि मैम अगर क्रम्पिंग वगैरह नहीं हो बालों में तो किस तरीके से हेयर स्टाइल बनाएं। तो गाइज आप बिल्कुल ईजिली हेयर स्टाइल बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने इनके साथ में किया कि मैंने इनकी सेंटर पार्टिंग की, उसके बाद मैंने इनके सेंटर पार्टिंग के बाद पफ के लिए थोड़े से बाल छोड़ दिए और थोड़े से बालों में मैंने पोनी, देखिए रबर डाली है, पोनी बना दी है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजीली मैं आप लोगों को समझा रही हूँ और बहुत ईजी होता है ये हेयर स्टाइल। तो देखिए इस तरीके से मैंने पोनी बना दी है और आप लोग देख सकते हैं तीन पार्ट में मैंने इनके बालों को डिवाइड कर लिया है। एयर टू एयर पार्टिंग करके आगे के बाल छोड़ दिए, पीछे के बाल ये पफ के लिए छोड़ दिए और अब मैं इसमें पफ बनाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं एक पोनी बना दी, बीच के बाल छोड़ दिए और आगे के बाल भी छोड़ दिए। तो ये करने के लिए हम लोगों को जो हेयर स्टाइल मैं इनका करने वाली हूँ उसमें हमें इसी तरीके से करना है। तो देखिए मैंने इनके बालों में क्रम्पिंग नहीं कराई, तो मैंने फिल कर दिया है फिलर को और ये फिलर आप लोगों को मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इनको बाय कीजिएगा। और अब आप लोग देख सकते हैं इस टाइम कि मैं इनके बालों में पफ बना रही हूँ। पफ भी बहुत इजीली बन जाता है। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम पफ किस तरीके से बने, सेपरेट वीडियो बना दीजिए पफ के लिए। बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, बट आप लोग देख सकते हैं देखिए कितना इजी होता है पफ बनाना। फिलर्स रखिए आप अंदर और ऊपर से उसके बाल लेके जाएंगे तो बिल्कुल गोल पफ बनता है काफ़ी अच्छे से। तो हम लोगों को स्प्रे वगैरह का भी ध्यान रखना है क्योंकि ये रियल रिंग सेरेमनी हेयर स्टाइल है, तो आपको पता ही है कि काफ़ी टाइम तक इन्हें रहना है इन्हीं बालों के साथ। तो हेयर स्टाइल जो है वो बहुत सफाई से और बहुत अच्छे से बनाएंगे और काफ़ी टाइम तक होल्ड करे इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए पफ बन गया है। अब जो ये सारे बाल बचे हैं, मतलब आगे के जो बाल हैं, पीछे के जो बाल हैं, इन सभी बालों के अंदर कर्ल होना है। देखिए इस तरीके से कर्ल मशीन से कर्ल होना है और इनके बालों में क्योंकि इनका काफ़ी फिजी हेयर है तो ऐसे बालों में कर्ल बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ईजीली हो जाता है और स्टे भी करता है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है वो। क्योंकि सिल्की बाल अगर होते हैं ना उसमें ना तो कर्ल चलता है ज़्यादा लंबा और ना ही हो पाता है इजीली, बट आप इनके बालों में देख सकते हैं कितना इजीली कर्ल हो रहा है। तो ये जो मैं कर्ल करा रही हूँ ये मैं इस तरीके से करा रही हूँ कि मुझे इन्हीं के साथ में सारा काम करना है, इन्हीं कर्ल के साथ। तो जितना भी बाल अब बचा है पफ वगैरह बनने के बाद, तो हमें पहले इस हेयर स्टाइल में यही प्रेपरेशन करनी होती है कि हम लोग पहले पफ बना देंगे, पोनी बनाएंगे, पफ बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ये बालों में सब में कर्ल कर देंगे। तो इनके फेस के ऊपर ही देखिए हम लोग डाल रहे हैं ये बाल, आगे से लेके पीछे तक पूरे में कर्ल होगा और उसके बाद इन कर्ल को हम करेंगे सेट बहुत अच्छे से। तो मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो अवेलेबल हैं रियल रिंग सेरेमनी हेयर स्टाइल की, रियल ब्राइडल हेयर स्टाइल की, पार्टी वेयर हेयर स्टाइल की, रियल पार्टी वेयर हेयर स्टाइल की ही होंगी ज़्यादातर। क्योंकि क्या होता है ना, मैं मेरे पार्लर पर ऑलरेडी काफ़ी काम चलता रहता है तो मुझे अलग से वीडियो बहुत कम बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए। मेरा जो है वो रियल काम की ही वीडियो आप लोगों के सामने ज़्यादा जाती है मेरे चैनल पर। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए कि हम लोग जब किसी डमी वगैरह पर या फिर किसी एक्ट्रेस वगैरह, मतलब मॉडल जो होती हैं हमारी, उनके ऊपर अगर हम हेयर स्टाइल बनाते हैं उनमें और किसी कस्टमर का रियल हेयर स्टाइल बनाने में बहुत फ़र्क होता है गाइज। तो जो रियल कस्टमर का हेयर स्टाइल बनता है वो हेयर स्टाइल इन होते हैं उस टाइम पर जिस टाइम पर वो हेयर स्टाइल बनता है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा कर्ल इनके बालों में करा दिया और अब मैं इसको सेट करूँगी। तो ये जो हेयर स्टाइल होते हैं इनमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और क्योंकि आपको पता है कि ये रियल है तो इसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। और आप लोग देख सकते हैं देखिए इस तरीके से मैं इनकी जो ये मैंने कर्ल कराए हैं इनको मैं इसी तरीके से पफ के ऊपर सेट करती चली जाऊंगी। देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी इजी होता है इसको करना, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। बट क्या होता है ना, थोड़ा सा हल्की सी बालों का जो काम होता है ना, हेयर का जो काम होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है। हम लोगों को अच्छे से सेट करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग सेट करें। तो देखिए हम मैंने कर्ल ही उस तरीके से कराए थे कि मुझे ये अच्छे से मैं सेट कर दूँ आगे से लेके पीछे तक। देखिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ही आप लोग ना इनको अच्छे से रखते चले जाइए इनके ऊपर,
इस तरीके से, देखिए आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये हमने, क्योंकि इनका जो ड्रेस है बार्बी वाला, उसकी नीड है इस तरीके के हेयर स्टाइल की ही, उसकी नीड है इस तरीके का, फंकी हेयर स्टाइल ही अच्छे लगते हैं ऐसी ड्रेस पर। और ये काफ़ी क्यूट लग रही थी, बहुत बिल्कुल डोल टाइप की लग रही थी। और इनकी जो मेकअप की वीडियो है वो भी मैं जल्द आप लोगों को चैनल पर दूंगी, और आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा इनका। और बिल्कुल भी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आगे से हम लोगों ने सेट कर दिए ये इसी तरीके से, पफ के ऊपर को हम लोग ले गए। और पीछे आप लोग देख सकते हैं ये जो कर्ल थे, जो पोनी वाले कर्ल थे, उनमें मैंने डोनट डाल दिया है। ये डोनट मैंने इसलिए डाला है कि हमें ये बाल पीछे से थोड़े से बाउंसी करने हैं, और बाउंसी करने के लिए हमें पिन रोकनी है, मतलब पिन लगानी पड़ेंगी हमें इसमें। तो पिन को हम किस तरीके से रोकेंगे उसके लिए हमें डोनट डालना पड़ता है। तो पिन जो है वो बिल्कुल इजीली, जैसे बॉबी पिन वगैरह अगर हम लगाएं, जूड़ा पिन लगाएं, तो वो इजीली होल्ड करें, उसके लिए हमें ये डोनट डालना है। और थोड़ा सा पीछे से बाउंसी लगे, मतलब थोड़ा भारी लगे बालों का हेयर स्टाइल, इसलिए भी हमें डालना होता है। तो ये जो छोटे छोटे कर्ल मैंने किए थे जो बचे हुए थे पोनी में से, तो उन्हीं को हम लोग इस डोनट को कवर कर देंगे उसी से, और काफ़ी अच्छा लगता है गाइज़। आप लोग कभी करके देखिएगा, बहुत इजी होते हैं इस टाइप के हेयर स्टाइल और बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा इन है रिंग सेरेमनी हेयर स्टाइल में, सबसे ज़्यादा इन है इस टाइप के हेयर स्टाइल। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, बस डोनट को हमें कवर करना है इन्हीं कर्ल के ऊपर। बहुत आराम से, बहुत मतलब टेक्निक के साथ में होल्ड कीजिएगा, क्योंकि कर्ल खुलने नहीं चाहिए। अगर कर्ल खुल जाता है तो फिर वो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है बिल्कुल भी। तो देखिए मैंने डोनट को बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया है पिन के साथ, जो जूड़ा पिन होती है ना उनके साथ में कवर कर दिया है, और फिर हम उसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो हमें बाकी और कुछ नहीं करना होता है। तो देखिए अब ये नीचे से थोड़ा सा डोनट दिखाई दे रहा था, तो उसको भी अच्छे से कवर करेंगे देखिए इस तरीके से। तो पूरा डोनट जो है वो मैंने दो तीन कर्ल की जो लट थी उनसे कवर कर दिया है उसको, और अब आप देख सकते हैं पीछे से भी कितना प्यारा लग रहा है, और काफ़ी बाउंसी बाउंसी और काफ़ी उठाव आ गया है इसमें। ये और भी उठकर बन सकता था, बट जो हमारे क्लाइंट की नीड थी ना, वो ज़्यादा उठा के करने की नहीं थी, तो क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी अच्छी थी, तो अगर हम और उठा देते तो काफ़ी लंबी हो जाती हैं ये, और उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि मतलब इनके जो फियोंसे हैं उनकी हाइट कितनी है और किस तरीके से, उनके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को काम करना होता है। मतलब हाइट हम इनकी ज़्यादा बढ़ाने के मूड में नहीं थे, तो इनकी जो नीड थी वो ज़्यादा हाइट बढ़ाने की थी भी नहीं। तो बस इसी तरीके से देखिए हमने इनकी हाइट को ज़्यादा भी नहीं बढ़ाया, और इनका जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छे से उभर के भी आ गया। तो यही सब चीज़ें हम लोगों को करनी होती हैं, क्योंकि हम पार्लर रन कर रहे हैं। पार्लर रन करने का मतलब है कि कितना भी छोटा बाल हो, कितना भी बड़ा बाल हो, कितना भी फिजी हेयर हो, कितना भी सिल्की बाल हो, हर तरीके के बालों को हमें हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि हम अगर पार्लर चला रहे हैं तो हमारे पास कोई भी आ सकता है, कैसे भी बालों के साथ में आ सकता है, तो हम उनसे ये नहीं कह सकते कि इस तरीके के बालों में हेयर स्टाइल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, हर तरीके के बालों में हेयर स्टाइल हो सकते हैं, और मेरे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अवेलेबल हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट हेयर में भी वीडियो अवेलेबल हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं इनका जो ये क्राउन टाइप का है, ये हम लगाने के मूड में हैं, तो ये हमने आगे की साइड में लगा दिया है इस तरीके से। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये एक बैंड है इनका, और ये हमने आगे की साइड में लगा दिया है, और काफ़ी प्यारा लग रहा था ये भी लगने के बाद। तो बस इसी तरीके से इनका जो हेयर स्टाइल है ऑलमोस्ट डन है, हल्का सा और डेकोरेट करेंगे अभी, और थोड़ा सा ये जो इनका क्राउन है इसको अच्छे से पिन वगैरह के साथ में रोकेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये रियल है। रियल में क्या होता है ना, काम बहुत सफाई से और बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से करना होता है कि चले वो कम से कम 3-4 घंटे 5-6 घंटे, हेयर स्टाइल बिल्कुल इधर उधर ना हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में रियल ज़्यादा शेयर करती हूँ, रियल हेयर स्टाइल ही ज़्यादा शेयर करती हूँ जो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट के होते हैं। तो उनसे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, क्योंकि हम क्लाइंट के साथ में ऐसा वैसा तो कुछ कर नहीं देंगे। जो भी क्लाइंट की हमारी नीड होती है, जो उनके कपड़ों की नीड होती है, जो उनके फेस की नीड होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हेयर स्टाइल करते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंने पीछे इनके 4 रोज़ लगा दिए हैं इन्हीं के कपड़ों से मैच करते हुए, तो पीछे से भी हेयर जो है वो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हो गया। और इनको हल्की सी इसकी इनकी जो गाउन है उसके साथ में एक हल्का सा नेट मिली थी इन्हें, तो वो हमें जूड़े पे लगानी थी, तो वो हमने पीछे लगा दी है। वो हल्की सी टक करनी होती है बस, बाकी कुछ नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो मिलती हूँ अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।